मुकम्मल तौर पर दरवाजे बंद कर दिए गए मुज़ाकरात के, उस शख्सियत को भी उहदे से हटा दिया गया जिसने ये बात की थी कि तहरीक इंसाफ यकीन रखती है इंगेज करने पर, मुज़ाकरात रखने पर। हिकमत अमली क्या है तहरीक इंसाफ की? अगर मुज़ाकरात भी नहीं करने, तनकीद तो पहले भी होती रहती है दूसरी जमातों की जानिब से कि तहरीक इंसाफ या बानी पीटीआई मुज़ाकरात करके आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। देखिए, मुज़ाकरात के लिए कौन सी CBM है, कौन सा एतमाद साजी का माहौल है। जलसा हम नहीं कर सकते, जुलूस हम नहीं निकाल सकते। मैं आपके सामने इलेक्शन जीत के बैठा हूँ, 1,05,000 वोट लेके हम बाहर बैठे हुए हैं, कठपुतलियों को अंदर बिठाया हुआ है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल हमारे नहीं चलने दे रहे। और आज सूरत हाल ये है कि जो मैं 9 पर्चे FIR मुझे मेरे दफ्तर से उठा के ले गए। हाई कोर्ट के फैसले हैं कि किसी वकील के दफ्तर में अगर कोई इवन क्रिमिनल भी बैठा, अपनी ज़मानत के लिए दरख्वास्त जमा कराने की नीयत से भी बैठा, उसको आप उठा नहीं सकते। और यहाँ सीनियर मोस्ट वकीलों को उठा करके दहशतगर्दी के 9 पर्चे मेरे खिलाफ कर दिए, बाकी छोड़े। कौन सा CBM है? देखें, इमरान खान एक इस वक्त मोस्ट पॉपुलर लीडर है, फेडरेशन की अलामत है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अब इस्टेब्लिशमेंट अगर धोखाबाजी से हमारी पॉपुलरिटी कम करने के लिए, उन कठपुतलियों को मजबूत करने के लिए, हमें इंगेज करने की नीयत से ऐसी कोई बातचीत डाले या ऐसी गुफ्तगू करे जिसके साथ कोई बातचीत हमारी नहीं हो रही थी, तो मेरा ख्याल है कि हमने वाज़े तौर पर एक इमरान खान साहब ने पैगाम दे दिया है कि भाई आपसे बात नहीं होगी। आपने जो कुछ किया इस इलेक्शन में, 8 फरवरी को एक पुरअमन इनकलाब आया, लोगों ने वोट दे दिए। इनको चाहिए था कि जो जीत गया है उसको आने दें, लेट द लॉ हैज़ टू टेक इट्स ओन कोर्स, जमहूरियत को चलने दें, जमहूरियत को तमाशा और ड्रामा मत बनाएं। और आज जो कुछ करने लगे हैं, आप मुझे बता दें काज़ी फ़ाइज़ा को एक्सटेंशन देने के लिए पूरे निज़ाम इंसाफ को ये मलियामेट करने जा रहे हैं। और फिर जो आइनी तरमीम सो कार्ड लाना चाह रहे हैं, उसमें आर्टिकल 8 ख़त्म करके मिलिट्री कोर्ट्स बन जाएंगी, जिसको चाहेंगे उठा के ले जाएं। आर्टिकल 199 के मुताबिक जिसको चाहे उठा जाएं, नेशनल सिक्योरिटी का नाम लें, कोई पूछने वाला नहीं होगा। और उसके बाद जिस जज हाई कोर्ट ने कोई इंसाफ में मबनी फैसले करने शुरू किया, उसको उठा के ट्रांसफ़र कर दें। और ना सिर्फ ट्रांसफ़र करें बल्कि वहाँ चीफ जस्टिस भी नहीं बनने देंगे। और उसके अलावा यानी शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मिलकर चीफ जस्टिस लगाएगा आइनी अदालत का, और सुप्रीम कोर्ट और उसकी सबॉर्डिनेट कोर्ट होगी। सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लेवल की एक कोर्ट हो जाएगी, उसकी कोई उससे ज्यादा हैसियत ही नहीं होगी। और ये पैरेलल नहीं, जिन चीजों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बन जाएगी जिसने सारे मामला कंट्रोल। आपका मौक़िफ़ आ गया, आप कह रहे हैं जलसे नहीं करने दिए जा रहे। 2 जलसे आपकी जमात ने किए, उसमें से एक जलसे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने शिरकत भी दी, खिताब भी किया, काफ़ी धमकियाँ में ज़बान भी इस्तेमाल की, रियासती इदारों से मुतालिक, दूसरी सियासी जमातों से मुतालिक, यहाँ तक कहा कि लश्करकशी करेंगे दूसरे सूबे पर। तो आपकी जमात की भी पॉलिसी जारहाना नहीं है, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया, इलेक्शन कमीशन ने आपके एक अरकान की बड़ी तादाद को नोटिफाई भी किया, मौलाना फजलुर रहमान भी आपके साथ है, आपको सियासी जमातों की जानिब से मुज़ाकरात की दावत भी दी जा चुकी है। देखें, पहली बात तो यह है कि ये सियासी जमातें नहीं रहीं, जो सियासी जमातें हैं उनके साथ हमारी गुफ्तगू जारी है, इंक्लूडिंग मौलाना फजलुर रहमान हो, मैगल साहब हों, चकजाई साहब हों, या 6 जमाती हमारा इत्तेहाद हो, जमात इस्लामी हों, सबसे बात हो रही है। ये जो 3 कठपुतलियाँ हैं जिसमें MQM है, PML-N है, पीपल्स पार्टी है, ये तो एक से एक बढ़कर शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें कोई कुछ ना कुछ हिस्सा मिल जाए। इन्होंने तो मलियामेट कर दिया है आइन को, कानून को, वो चंदों के हाथों में खिलौना बन के रह गया है। मुझे बता दें इस आइन में क्या है। इस जो 100 कार्ड मुसवदा लाया गया है गैर आइनी, नंबर 1 काज़ी फ़ाइज़ा की एक्सटेंशन 68 ईयर्स तक की, और वो भी आईनी अदालत का सरबराह बना देंगे ताकि जो करप्ट सिस्टम इस वक्त राइज है। आखिरी मौक़िफ़ तो ये है हुकूमत का कि वो उस मुसवदे में शामिल नहीं है जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाना, वो आईनी अदालत पर उनका जोर ज़्यादा है। देखें, नहीं, आइनी अदालत के ऊपर मुझे ये बता दें आज तक फिर मंसूर शाह का आप नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर रहे? आपने 68 ईयर्स क्यों कर दिया है? आपने किसकी खातर किया है? आपने शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी यानी प्राइम मिनिस्टर भेजेगा असम्बली और प्रेसिडेंट उसको अप्रूवल देगा, ये चीज़ क्यों डाल दी है उसमें? और आइनी अदालत खुफिया तरीके से, जिसका कोई मुसवदा आज तक किसी के पास नहीं है, वो आप क्यों करने लगे थे रात के 3-3 बजे तक, सुबह 10 बजे, 11 बजे, 4 बजे, जी 8 बजे, और रात के 3 बजे तक जी सेनेट का इजलास होगा, नेशनल असम्बली का इजलास होगा, आपको खुफिया रखने की ज़रूरत क्या थी। बात यह है कि इनके आप कंडक्ट और किरदार देखें। अच्छा, फिर उसके अंदर ये क्यों लिख दिया कि इलेक्शन कमीशन और उसके मेंबरान को एक सेफ रेजोल्यूशन के जरिए एक्सटेंशन दे दी जाएगी अगले टर्म के लिए, और फिर उसमें आर्मी एक्ट में क्यों उसमें डाला कि जनाब 2/3 मेजॉरिटी के बगैर, यानी आइन में तरमीम के बगैर आप उस एक्ट को तरमीम भी नहीं कर सकेंगे। इन लोगों को एहसास ही नहीं है कि मुल्क में आज पैसा लेके लोग बाहर भाग रहे हैं। इन लोगों को एहसास ही नहीं है कि यूथ 60% जो यहाँ मुल्क में बैठी हुई है वो आपसे शदीद नफरत भी करती है, वो मुल्क छोड़ के भागना चाहती है। इस वक्त गरीब आदमी का जीना बहाल हो गया, ये इनको एहसास ही नहीं है। सिर्फ इनको ये एहसास है कि किसी तरीके से इस करप्ट सिस्टम को हम बचाने में शराफिया या जो सो कॉल्ड बदमाशिया बैठा हुआ है, हम उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर सके। उसके अलावा कोई इनका काम ही नहीं है। आम आदमी की ज़िंदगी को किसे इन चीज़ों का क्या ताल्लुक़ है। शोएब साहब, ये आपकी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो फिर जलसा मनसूख कर दिया है, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हैं, क्या करेगी फिर तहरीक इंसाफ आगे? देखें, हम इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ से हमारी तवक्को है, हमारी तवक्को हमारे मुल्क की कौम से है, हमारी तवक्को हम अपनी आवाम के पास जा रहे हैं, हम उनको मोबिलाइज़ कर रहे हैं। देखें, 8 फरवरी को एक पुरअमन इनकलाब आया है, लोगों ने वोट दिए हैं। किसी तहजीब याफ्ता मुआशरे में इनकलाब का वाहिद रास्ता, पुरअमन इनकलाब का रास्ता, वो वोट का रास्ता होता है, और वोट के ज़रिए लोगों ने हमें वोट दे दिया है। अब उसके रास्ते में जिस कदर भी रुकावटें पैदा करने की कोशिश हो रही है, वो दैट इज़ रॉन्ग। रियासत ऐसे नहीं चलेगी। अब जो वाहिद निज़ाम इंसाफ का रास्ता है उसको चलने दें, ताकि ये मुल्क दुरुस्त सिमत में लेके चले, दुरुस्त सिमत में हम तरक्की की तरफ कदम उठा के चलें। जितना कुछ ये हरकतें करेंगे, ना इस मुल्क में आनी है कोई इन्वेस्टमेंट, ना इस मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि जो रिजेक्टेड लोग हैं उनसे लोग शदीद नफरत करते हैं। अब रिजेक्टेड लोगों को अगर आप गवर्नेंस पे और अपने यहाँ ऊपर मुसलत कर देंगे तो लोग आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। इस तरीके से निज़ाम नहीं चलेगा। निज़ाम चलेगा जब आप इंसाफ की बुनियाद पर मुआशरा कायम करेंगे, कानून की हुक्मरानी का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। जब लोग आप आवाम की बात करेंगे तो बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पर तो आवाम नहीं निकले, उसके आगे फिर क्या रास्ता है? जो पिटीशंस आपकी सुप्रीम कोर्ट में, उससे उम्मीद है आपको? देखें, हम हर रास्ता, लॉफुल रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं। हमें अदालत से भी उम्मीद और तवक्को है। अब इस वक्त देखें ना, 218 मुकदमा थे, सारे मुकदमों में या जमानतें हो गई या वो एक्विटल हो गई है। सिर्फ एक जाली मुकदमा उन्होंने रखा हुआ है, तोशाखाना 2, उसके अलावा तो कोई मुकदमा बाकी नहीं रहा। इसी तरह हमारा प्रोटेस्ट का हक है। हम इस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं। फॉर्म 47 को आप भूल जाएं। इस वक्त की जो स्ट्रेंथ है, हम सेनेट में और नेशनल असम्बली में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं। चारों सूबों में हम मौजूद हैं। आज फेडरेशन की अलामत है, उसको मिटाने की कोशिश करेंगे, पीटीआई को डाउनग्रेड करने की कोशिश करेंगे, ये मुल्क का नुकसान करेंगे। हमारे पास ऑप्शन एक ही है, हम लोगों के पास जाएँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इंसाफ की तरफ उम्मीद निकालें। यही है कि वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को जो अगले चीफ जस्टिस हैं उनसे उम्मीद है, जब वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का मौके पर अगले चीफ जस्टिस आएंगे तो सब कुछ आपके हक में हो जाएगा, फिर इसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से तवक्को रखते हैं। ये काजी फाइज़ा और मंसूर शाह साहब का फैसला था कि जी फुल कोर्ट बनाई जाए, फुल कोर्ट बनी। मुनीब साहब ने कहा था नहीं, 7 सीनियर मोस्ट जजेस का बेंच बनाएं, ये आपकी मखसूस नशिस्तों वाला फुल कोर्ट का फैसला आया हमारे हक में, आज उनको नहीं माना जा रहा। हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की तवक्को है विद रिस्पेक्ट टू जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो कि इंटेलेक्चुअली बहुत काबिल तरीन शख्सियत है। लेकिन हमारा पिछले साल आपको पता है कि जो 90 डेज़ के इलेक्शन वाली बात थी, उससे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन्होंने और जस्टिस सत्तर साहब ने किया था। अगर ऐसी बात होती तो हम तो फिर इनसे उस वक्त की बात करते। देखिए, एक वो इंसाफ पसंद जजेस हैं, उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट राय हो सकती है, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट के इंस्टीट्यूशन से तवक्को है। सिर्फ एक शख्स से हमारा इख्तलाफ है, जो काजी साहब बैठे हैं, बाकी किसी जज से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के इंस्टीट्यूशन से तवक्को रखते हैं, क्योंकि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट है, एटलीस्ट हमें उन्हीं की तरफ देखना है। हम कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो नहीं जाएंगे, हमने इन्हीं से एक रिलीफ लेना है ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें रिलीफ मिला, इवन जस्टिस आमिर फारूक साहब से हमने 10 दफ़ा एतराज़ किया कि वो हमारे केस से ना सुने। बिलाखिर जो भी हुआ, हमें रिलीफ उनसे मिला या सुप्रीम कोर्ट से जमानतें हमारी हुई हैं, हम गए हैं उनके पास। अगर वो बैठते हैं बेंच में, लेकिन उसके बावजूद हम उनके पास अपने केसेस की सुनवाई करा रहे हैं। बात यह है कि हमें एक निज़ाम इंसाफ से ही तवक्को है कि आप एक बेईमानी और बददियानती पे मबनी अगर केसेस होंगे तो आखिर उसका कोई ना कोई अंजाम तो होगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि करप्ट लोग बाहर दंदनाते फिरें, मनी लॉन्डर बाहर बैठ के। प्रोग्राम में बात करने के लिए